जैसे हमारा टॉपिक है कंपैक्टनेस, कंपैक्टनेस में फर्स्ट डेफिनेशन है कवर ऑफ अ सेट, में तीन चार डेफिनेशन है तो उस बेस पे हम कंपैक्टनेस से डिस्कशन करेंगे। तो पहली डेफिनेशन से क्या है, पहली डेफिनेशन एक स्पेस है एक्स जिसका सबसेट है ए, ठीक। अब ए सबसेट के हमने सबसे पहले पावर सेट बनाए, यानी कि स्पेस में से ही एक पावर सेट बनाया, उस पावर सेट का एक सबसेट बनाया एफ, उसे ही हम इस कोल्ड अ कवर, अब उसे हम कवर कहेंगे कब, यदि हम जो हमने पावर सेट के जो सबसेट बनाया एफ, यानी पावर सेट के कुछ एलिमेंट लेके जो सबसेट बनाया एफ, उन एलिमेंट उन ओपन सेट नोट एलिमेंट उन ओपन सेट का यदि हम यूनियन करें, और वो यूनियन कंप्लीट यूनियन जो होगा उन ओपन सेट का, वो यदि ए को कंटेन कर जाता है, यानी इसका मतलब क्या है, यदि वो ए का सुपर सेट बन जाए, या तो वो ए का हर एक एलिमेंट ए के इक्वल हो, यानी कि ए का हर एक एलिमेंट हमारे यूनियन ऑफ एफ जो आएगा हमारे कंप्लीट ओपन सेट का यूनियन उसमें कंटेन हो जाए, या फिर हमारा ये एफ जो है ए से बड़ा हो, ये हमारी कंडीशन है, तब हम कहेंगे एफ क्या है, कवर है ऑफ अ सेट ए, ठीक। अब जैसे हमारा ए है, हमें इसके ऊपर एग्जांपल देख लेते हैं, ए हमारा एक सेट है, स्पेस सेट है, सेट से स्पेस के कुछ एलिमेंट ले लिए 1 2 3, अब इससे मिला के स्पेस में हमारे काफ़ी एलिमेंट होंगे, उन सब उनका एक सबसेट लिया हमने, जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट है 1 2 3, ठीक। अब हमने उससे मिला के उसके पावर सेट बनाए, पावर सेट के कुछ ओपन सेट ले लिए हमने, उन ओपन सेट की हेल्प से हमने एक सेट बनाया जिसे क्या कह रहे हैं हम एफ, यानी कि सबसेट ऑफ अ पावर सेट, जो भी हमारे पावर सेट बने, यदि पावर सेट से रिलेटेड या टोपोलॉजी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो हम लास्ट वाली वीडियो में जाके, हम टोपोलॉजी की फर्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो अब हमने ये बनाया, इसके बाद इनके हर एक जो ओपन सेट है इनका यूनियन किया, अब जब हमारे एक ओपन सेट का यूनियन किया तो वो आ गया हमारा 1 2 3 4, यानी कि सब एलिमेंट हमारे ऐड हो जाएंगे, तो इसमें एलिमेंट क्या 1 2 2 3 4, 1 2 3 4, तो यानी कि जो सबसे बड़ा सेट बनेगा वो बन जाएगा, यूनियन मिलने पर हमारे सारे एलिमेंट आ जाते हैं, तो ये 1 2 3 4 का एक सेट बन गया जो क्या है यूनियन ऑफ एफ। अब क्या यूनियन ऑफ ए को कंटेन करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि या तो वो हमारा ए के इक्वल हो या ए से ज़्यादा हो, यहाँ पे ए से ज़्यादा है क्योंकि इसमें चार फोर्थ एलिमेंट भी है, तो इस वजह से ये क्या हो गया हमारा एफ, ये हमारा हो गया कवर ऑफ अ सेट ए। तो ये बेसिकली कवर का मतलब ही हमारा ये होता है किसी चीज़ को ढक लेना, जैसे एफ हमारा ए को ढक रहा है कंप्लीटली, एफ के तीन एलिमेंट ए के तीन एलिमेंट को ढक ले रहे हैं, तो उसी हम कवर कहते हैं, तो इसी यहीं से आई है कवर ऑफ अ सेट की डेफिनेशन।